हेलो, वेलकम टू स्मोकी रसोई। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक यूनिक येट सिंपल रेसिपी, चीजी स्टफ्ड मशरूम। मशरूम बहुत कम लोग खाते हैं, पर जो लोग मशरूम खाते हैं उन्हें ये रेसिपी 100% पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी एक इंट्रो के साथ, और इंट्रो देखते देखते सब्सक्राइब जरूर करना। चीजी स्टफ मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले ऑफ कोर्स चाहिए आपको मशरूम। कौन से मशरूम? बटन मशरूम। बटन मशरूम्स आपको कहीं मॉल में पैकेट्स में मिल जाएंगे या सब्जी वाले के पास खुले भी मिल जाएंगे। ज़्यादा महंगे नहीं रहते, सस्ते ही रहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मशरूम लेना है, उसके नीचे जो स्टेम रहता है वो आपको हल्के से प्रेस करके निकाल देना है। स्टेम निकालने के बाद हल्के हाथों से एक चम्मच यूज करके अंदर की स्क्रैपिंग निकालिए। जो अंदर जो फिलिंग है मशरूम की वो आपको हल्के हाथों से निकालनी है। ज़्यादा जोर मत लगाइएगा वरना आपका मशरूम टूट सकता है, दे आर डेलिकेट। जितना आप मशरूम को अच्छे से खाली करेंगे उतना आप स्टफ फिल कर पाएंगे और उतना ही डिलीशियस होनेगा। सो ध्यान से प्यार से मशरूम को चोट मत पहुंचाइएगा। इसी तरीके से सारे मशरूम्स जितने भी आपको बनाने हैं वो खाली करके रेडी कर ले। जैसे ही सारे मशरूम्स आपके रेडी हो जाते हैं उसके बाद जो स्टेम था हमें उन्हें बारीक बारीक काटना है, क्योंकि हमें इसे भी अपने स्टफ मशरूम में फिलिंग के साथ ऐड करना है। और हाँ, मशरूम्स बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, उनको हवा बहुत जल्दी लगती है, इसलिए जिस दिन आपको बनाना हो उसी दिन आप मशरूम लेके आएँ, ला के रखें नहीं, क्योंकि वो फिर अपने कलर चेंज करने लगते हैं। सारे स्टेम्स कट जाने के बाद जो आपने स्क्रैपिंग निकाली थी उसे भी अच्छे से आप चॉप कर ले। जितना माइन्यूट चॉपिंग होगा, जितना बारीक चॉपिंग करोगे आप, उतना ही अच्छा है फिलिंग के लिए। जब आपके मशरूम्स रेडी हो जाएं उसके बाद स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसे लो फ्लेम पे रखें, धीमी आँच पे, और उसमें डालें 2 बड़े चम्मच तेल। तेल डालने के बाद उसमें डालें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक ग्रेटेड जिंजर, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आपको तीखा ज्यादा पसंद है आप ज्यादा डाल सकते हैं। और इसके बाद इन सबको सौते कर लें, 1 मिनट तक अच्छे से पका लें। उसके बाद आपको डालना है 1 बारीक कटा हुआ प्याज। जैसे कि मैंने आपको बोला, जितना बारीक काटेंगे सब्जियों को उतना ही बेहतर है। और थोड़ा सा नमक डाल दें प्याज को जल्दी से पकाने के लिए। इसे भी आप 1 मिनट तक पका लें। हमें प्याज को ज्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा उसको फ्राई करना है। एक मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, फिर 1 आधी गाजर ले लें आप, उसे भी आप बारीक काट के डाल दें। फिर डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और उसके बाद जो हमने स्टेम्स और स्क्रैपिंग काटी थी बारीक वो हम इसमें डाल देंगे। और स्वाद के लिए मुट्ठी भर ताजा धनिया पत्ता, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इन्हें अच्छे से पका लें, अच्छे से सौते कर लें। जब सब्जियां अच्छे से पक जाए उसमें हम चीज को ग्रेट करके डालेंगे। चीज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद है उतनी आप डाल दें, क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा स्वाद आने वाला है। उसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लें और गैस को कर दें बंद। तो लीजिए, आपकी मशरूम फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे मशरूम्स के अंदर फिल करेंगे। एक छोटा चम्मच लीजिए, उस पे आप अपना फिलिंग लीजिए और मशरूम के अंदर फिल करना स्टार्ट कर दें। जब आप मशरूम कैप्स को फिल कर रहे होंगे उसे आराम से फिल करिए, ज्यादा जोर मत लगाइएगा, मशरूम टूट सकते हैं, इसलिए आराम से उसे फिल कर लीजिए।
इसी तरह से आप सारे मशरूम्स को फिल करके रेडी कर लीजिए। और अगर आपकी स्टफिंग बच भी जाती है तो चिंता मत करिएगा, उसका आप सैंडविच बना के खा सकते हैं। मशरूम्स फिलिंग करने के बाद उसके ऊपर आप चीज को ग्रेट कर लें सबके ऊपर अच्छे से। अब फिर से उसी कढ़ाई को आप मीडियम फ्लेम पे रखें, लो फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे रखें, और एक बड़ा चम्मच तेल डाल दें। और उसके बाद धीरे से एक एक मशरूम आप कढ़ाई में अपने पकाने के लिए रख दें। ध्यान रखिएगा कि ये गिरने नहीं चाहिए, इसको हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हमें ज़्यादा लो फ्लेम नहीं करना है क्योंकि वो फिर ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ने लग जाएगा और थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना। अब इसे ढक दें और पकाने के लिए छोड़ दें, और इसे हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना मशरूम हमारे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए तो 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएं और आपके मशरूम स्टफ विथ चीज़, विथ फुल ऑफ चीज़ खाने के लिए रेडी हैं। गैस को करें बंद, सर्विंग प्लेट में डालें और सर्व करें। और हाँ, सर्व करने से पहले उसके ऊपर धनिया डालना मत। तो ये थी आज की रेसिपी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।